टीम मता दी मता दी। चला आगे चला देख लो तुम्हें एक है न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 18,000 रुपए जीने खाने के लिए वो दो और तमाम वो सरकारी सेवक घोषित कर रहे हैं।
और 18,000 रुपए न्यूनतम वैधानिक मजदूरी देने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश की आशा 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जुटी हुई है। और आज हमारा 10 तारीख को उसी क्रम में सिविल सर्जन का घेराव, ये पूरे प्रदेश भर में तमाम जिला मुख्यालयों पर ये सिविल सर्जन का घेराव का कार्यक्रम हो रहा है। और कल यानी कि 11 दिसंबर को सभी जिला में जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी का घेराव करके और हम लोग बताने का काम करेंगे चट्टानी एकता के साथ कि आशा बिहार की अपने डिमांड को लेकर के आज सड़कों पर है। और सिर्फ आशा ही नहीं, अब तमाम मजदूर, आंगनवाड़ी सेविका, मिड डे मील वर्कर, तमाम स्कीम वर्कर आज सड़कों पर है अपनी मांग को लेकर के। इसलिए बिहार की सरकार को आने वाले दिनों में हम ये चेताते हुए ये कहना चाहते हैं कि आप इन शीघ्र ही जितना जल्दी हो सके इन आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक आप घोषित करो और अपने अनटाइड फंड से आपको जो भी है सरकार का जो फैसला है वैधानिक मजदूरी 18,000 रुपए देने का काम आप करो। और तब तक हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे जब तक आप हमारी डिमांड को सुनते हैं। मेरा नाम सुभेश सिंह, मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ, साथ में मैं प्रदेश का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। हाँ बताइए, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं मांग क्या कर रहे हैं? आशा को न्यूनतम मजदूरी 18,000 देना होगा और हमारी सरकार से ना हमें कहीं बैठने का जगह है ना आशा को कहीं मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान भी चाहिए सभी सरकार सभी को मान सम्मान वेतन और सरकारी सेवक घोषित कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्या कमी है, क्या कमी दिखाई दे रही है सरकार? आज आशा के बदौलत सारे अस्पताल चमक गए, सारे प्रखंड चमक गए, फिर भी सरकार को हम लोग की कमी क्यों दिखाई दे रही है? ठीक है, अपना नाम बताइए। नाम बताइए आप। हम लोग का मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, हम लोग को प्रोत्साहन राशि हटा के एक नियमित मान दे दिया जाए। आंगनबाड़ी को है, फैसिलेटर को है, आशा को कुछ नहीं है, हम ही लोग के ऊपर सब कुछ है। हम लोग को कुछ दिया नहीं जा रहा है और सबका आगे आगे मान तो बढ़ाया जा रहा है। सबका 4500-6000 है तो उन लोग हड़ताल कर रहा है, हम लोग को तो कुछ नहीं है। हम लोग को 600-500 रुपये से नहीं होगा, हम लोग को प्रोत्साहन राशि हटा के हम लोग को एक नियमित मान दे, 18,000 दिया जाए।